नमस्कार, मैं पलक मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल में। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की दर्दनाक मौत ने सबको सहमासा दिया है और उनकी मौत के बाद से बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। सिद्धू मूसेवाला की मौत का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई के गुर्ग कोल्डी बरार ने लिया था और आज से 4 साल पहले यानी साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उस समय सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब फिर से सलमान खान के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इस बात का खुलासा खुद मुंबई पुलिस ने किया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उन्हें पुलिस को सलमान खान पर हमले की सीक्रेट डिटेल मिली, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में कैद है। पुलिस सलमान खान की सुरक्षा निश्चित करने के लिए उनके घर के आसपास ही मौजूद रहेगी ताकि राजस्थान से गिरोह कोई हरकत ना कर पाए। आपको बता दें कि साल 2018 में सलमान पर जब काला हिरण मारने का इल्जाम लगाया गया था, तब से लॉरेंस बिश्नोई सलमान से इस बात को लेकर नाराज है। बिश्नोई का मानना था कि काला हिरण पवित्र होता है, जिसको सलमान ने मारकर सही नहीं किया है। इसके बाद से ही सलमान को इसकी सजा देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें जान से मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन उस समय बिश्नोई का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसलिए अब दोबारा से सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब देखना ये भी होगा कि इस बात को लेकर फैंस के बीच में भी क्या घमासान मचता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की सभी अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।